नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। राहुल गांधी आज पहली बार हरियाणा में थे। एक मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कह दिया कि जो जनता खड़ी थी वो ताली बजाती रही। और राहुल गांधी का ये वीडियो सिर्फ मार्मिक नहीं था, सिर्फ एक बच्चे की भावनाओं को वो बयां नहीं कर रहे थे, हरियाणा की वो सच्चाई बता रहे थे जो 10 साल में मोदी सरकार ने नहीं बताई या उनका ध्यान नहीं गया। मोदी जी की भी रैली थी, लेकिन मोदी जी की रैली को कंपेयर करके ये बताया जा रहा है कि उनके में तो उतनी भीड़ ही नहीं आई जितना राहुल गांधी की रैली में लोग इकट्ठा हुए थे उनकी बात को सुनने के लिए। राहुल गांधी ने अपनी बात को बड़े आराम आराम से कहा, जैसा लग रहा था कि राहुल गांधी को कोई जल्दी नहीं थी, अपनी बात को बोलकर फटाक से भागने की कोई जल्दी नहीं थी। बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से वो सब कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कैसे हरियाणा को छला गया है, कैसे हरियाणा को धीरे धीरे नौकरी ना देकर उनसे बहुत सारी चीजें छीन छीन कर उनको अपंग बनाया गया है। अब हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस जीत नहीं रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है, यानी कि सिर्फ मोदी को हराएंगे नहीं, बीजेपी सिर्फ हरियाणा में हारेगी नहीं, उनका पूरा का पूरा पत्ता साफ होगा, सूपड़ा साफ होगा। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कॉन्फिडेंस में कही। उन्होंने ये कहा कि मैं मंच पर खड़े होकर 50 झूठ नहीं बोलूंगा, ये काम मोदी जी का है, उन्हीं पे शोभा देता है, मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बताने आया हूँ। राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा इतनी आसानी से और सहजता से उठा दिया कि सुनने वाले ये सुन रहे थे कि कैसे धीरे धीरे हरियाणा को सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो अफीम चटाया गया, जिसकी वजह से हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश जो है वो झेल रहा है। हरियाणा में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और उससे सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं का नुकसान नहीं हो रहा है, कैसे हरियाणा पीछे जा रहा है, इस बात को भी राहुल गांधी ने बड़ी आसानी से समझाया। वो बताए कि जब मैं अमेरिकी दौरे पर था तो मैं उन लोगों से मिला था जो डंकी मारकर हरियाणा गए थे, उनकी पीड़ा उनकी परेशानी मैंने सुनी और देखा कि कैसे एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं, इतनी परेशानी में वो लोग वहां पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पास ऑप्शन नहीं है। उन लोगों से मैंने कहा कि जब इतना पैसा लगा रहे हो 35 लाख 40 लाख, तो हरियाणा में जाकर रोजगार करो, अपने परिवार वालों से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना भला किसी अच्छा लगता है क्या? तो उनमें से आधे से अधिक लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रोजगार ग्रोथ करने का मौका नहीं है हमारे पास, इसीलिए हमें मजबूरी में डंकी मारकर मतलब बहुत परेशानी में अमेरिका आना पड़ा। अब उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि राहुल जी जब आप घर जाइएगा ना तो मेरे परिवार वालों से मिलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम ठीक हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि फोन तो है ही आपके पास, वीडियो कॉल करके बताइए कि आप ठीक हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं ये बात बताता हूँ अपने परिवार वालों को, लेकिन कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए नहीं यकीन कर पाता है क्योंकि 7 समुंदर दूर कोई अपना कलेजे का टुकड़ा नौकरी के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए किन परिस्थितियों में और किन हालातों में गया है, ये बात परिवार वालों को बहुत अच्छे से पता होती है। फिर राहुल ये कहते हैं कि जब मैं उन परिवार वालों से मिल रहा था तो उन रोते बिलखते बच्चों को देखा मैंने, उन माओं को देखा जो सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरा बेटा लौटा दीजिए, मेरे बेटे को कैसे भी वापस ले आइए। लेकिन मैं कह नहीं पाया, ये लाइन राहुल गांधी की है, वो कह रहे हैं लेकिन मैं कह नहीं पाया कि अब आपका बेटा 10 साल तक नहीं आ पाएगा, अब वो आपके को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, आप जिए या ना जिए, आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका बेटा अब 10 साल तक आ नहीं सकता। राहुल गांधी बोलते बोलते एक बच्चे का जिक्र करते हैं जिसका नाम देव है, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पोस्ट की थी जिसमें वो बच्चा अपने पिता को लैपटॉप में देखकर रोने लगता है और रोकर ये कहता है पापा आप जल्दी आ जाइए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि देव की क्या मजबूरी है, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और देव अब 10 साल तक अपने पिता को छू नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा, उससे गले नहीं लगा पाएगा, यानी कि एक पिता और एक बच्चे की जो बिछड़न है, आप देखिए ये कैसा कार्ड उन्होंने सिंपैथी वाला एक पिता और बेटे के प्रेम का राहुल गांधी ने खेला कि लोगों ने ताली बजाकर वो समर्थन दिया है ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि जो देव है ना वो अब अपने 10 साल तक अपने पिता से मिल नहीं पाएगा, उन्हें देख नहीं पाएगा, उन्हें गले नहीं लगा पाएगा, और ये किसकी वजह से हुआ, ये मोदी सरकार की वजह से हुआ कि उन्होंने हरियाणा में रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा तो था कि वो छोटी नौकरियों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, छोटे व्यापारियों को हुआ। जो GST लगी उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, छोटे व्यापारियों को हुआ। कर्जा माफ ये अमीरों का करते हैं लेकिन नुकसान आपको पहुंचाते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही।
और बोलते बोलते वो हरियाणा के उन तीन मुद्दों पर सबसे बेहतरीन बोल गए। पहले तो युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, जिस पर वो बात कर रहे थे। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी के आंखों में आंसू ना आने दे, अब किसी भी बेटे को अपने माँ से दूर ना जाना पड़े और किसी भी बेटे को अपने पिता से दूर रहने का दुख ना झेलना पड़े। हम ये इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है या मेरी सरकार बनती है तो हम जो है वो रोजगार के नए नए अवसर खोलेंगे। अब पता नहीं इनकी सरकार आएगी तो ये इस तरीके के अवसर खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, लेकिन वो जो एक कार्ड खेलना होता है सिंपैथी वाला कार्ड, या वो जो दुख बताना होता है, वो राहुल गांधी बहुत अच्छा बता गए। देव को देव का नाम इस्तेमाल कर राहुल गांधी ने उन तमाम माओं की पीड़ा को कैसे आराम से बता लिया, कैसे ये समझा लिया कि आपके बेटों को भी बहुत दुख होता है जब वो आपसे दूर होते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि उनका बेटा कह रहा था कि पापा आप वापस आ जाइए, लेकिन उनके जो पिता हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो मुस्कुराकर अपने बच्चे को ये समझा रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर से वो इंसान रो रहा था लेकिन मुस्कुराकर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये होता है, दो रोटी के लिए कितनी मुश्किलें और मशक्कत करनी पड़ती है एक शख्स को जब वो सात समुंदर पार होता है। बहरहाल मैं चाहती हूँ राहुल गांधी का वो बयान सुनिए और देखिए कि कैसे राहुल गांधी ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ बयार है तो कांग्रेस की, और बीजेपी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। बाकी चुनाव में जनता तय करती है कि वो बटन किसके आगे दबा रही है और किसकी सरकार बनने वाली है। पर आप ध्यान से राहुल गांधी की बात सुनिए। जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। मैं जब उस घर से निकला मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है। ये तो यहां है, कोई ट्रक चला रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या कर रही है। कमरे में मैंने बात उठाई थी, मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो? नहीं राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हमारे माता पिता मर जाएंगे, मगर हम वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा राहुल जी एक काम कीजिए, जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप 5 मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ आपके पास तो मोबाइल फोन तो होगा, वीडियो कॉल करते होगे, तो उनको तो मालूम होगा। वो हमें मुझे कहते हैं नहीं राहुल जी वो मानते नहीं है, हम वीडियो फोन पे कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक हैं। अजीब सी बात है। फिर मैं करनाल गया सुबह 4 बजे कि मैं चाहता था ये मीडिया वाले ना पकड़ ले, मुझे तंग करते हैं। मैंने इनको मित्रों कहा, मगर ये है अदानी के मित्र, अंबानी के मित्र। मैं गया 4 बजे सुबह, वहां बैठ गए, बातचीत शुरू। एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है, 6-7 लोग उस साइड डैलस में बैठे हैं, 20-25 लोग परिवार यहां बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। और फिर छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है पापा 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 वापस आओ, और पिता कुछ नहीं कह पाता है। देव की आंखों में आंसू, चिल्ला रहे और पिता हजारों किलोमीटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैं ठीक हूं।
किसी ने कहा? बच्चा इमोशनल हो गया। मैंने माइंड में सोचा कि इमोशनल हो गया, इसके हर रोज सीने में छुरे लग रहे हैं। इमोशनल शब्द का क्या मतलब है? वो अपने पिता को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, छू नहीं पाएगा, गले नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। वो देव की चीखे नहीं थी, वो हरियाणा के हर युवा के चीखे हैं। और जब वो बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि इलेक्शन सब कुछ ठीक है, मगर हरियाणा में जो लाखों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम उनके आंसू को पोंछने का है, उनकी चीखों को बंद करने का है। अब देव रो क्यों रहा है यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है, उसकी मां मुझे कहती है राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चला रहे हैं, माताएं चला रही हैं, पूरा परिवार चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, काले कानून लाते हैं, जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश करने। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है। हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है, यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके सारे की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है, यह प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है? हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है, आपने देखा 3,000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पर चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या गलत? जीएसटी नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते, और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोच रहा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा, फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है और ये हम बदलना चाहते हैं। पहले ही बीजेपी से पहलवान, किसान और जवान तीनों नाराज हैं। पहलवान इसलिए नाराज हैं क्योंकि आपको पता ही है कि जब जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे थे तो बीजेपी ने कैसा उनके साथ रुक किया था, कैसे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और वो तमाम खिलाड़ी जो देश के लिए गोल्ड मेडल ला चुके थे उनकी बात तक को नहीं सुना गया आपने, सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए।
तो खिलाड़ियों के साथ राहुल गांधी एक अच्छा कार्ड इसलिए भी खेलते नजर आए क्योंकि मंच पर बर्जन पुनिया मौजूद थे। तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं पुनिया के जो है वो जिम में गया हुआ था, ये पूरे दिन मेहनत करता है, इसलिए मेहनत करता है ताकि देश को एक गोल्ड मेडल आ सके। पुनिया ने मुझको बताया कि ये जो गोल्ड मेडल है वो मैं देश के लिए लाना चाहता हूँ। इस तरीके की चीजें कहकर राहुल गांधी ने खिलाड़ियों को अपने पक्ष में कर लिया, पहलवानों को अपने पक्ष में कर लिया, किसानों के साथ तो कांग्रेस जो है हर बार ये कहती है कि आपके 3 काले कानून को हम वापस नहीं लाने देंगे और हमारी सरकार आ जाएगी तो हम MSP दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये सब चुनावी झुंझुना होता है, हर पार्टी जो है वो जनता के सामने बजाती है। बाकी होगा क्या ये तो कल ही पता चलेगा, जिसकी सरकार बनेगी वो जनता के हित में कितने काम करेगी ये तो बाद की बात है। पर अभी हरियाणा का जो माहौल है वो किस तरफ है और जनता किस तरफ बटन दबाने वाली है, ये जानने और समझने का हम भी प्रयास कर रहे हैं और जितना हमें पता चल रहा है वो हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी क्या हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि हरियाणा में हम क्लीन स्वीप लाने करने की प्रयास में है और ऐसा होगा, आपको क्या लगता है कि क्या सच में बीजेपी के जो तारे हैं वो गर्दिश में हैं? क्या बीजेपी हरियाणा में कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रही है? आपको जो भी लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण अच्छा लगता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ऐसे ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हम प्ले स्टोर के माध्यम से अपने ऐप से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।